जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा आज विकासखंड बिलसंडा के ग्राम करेली में निर्माणाधीन बृहत कौशाला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम को गौशाला निर्माण के कराए जा रहे कार्यों को तेजी से करने के निर्देश देते हुए कहा कि जून के अंत तक समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। गौशाला निर्माण कर रही है। जुनवाई ब्लॉक के ग्राम पंचायत करियामई में महिपाल उर्फ स्विफ्टर और उनकी धर्म पत्नी जयमंती और उनके साथ उनका नाती सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार भी उनके साथ दिल्ली में रहते थे, जो कि दिल्ली में बैंकिंग में एटीएम में पैसे डालने वाली टीम के साथ सिक्योरिटी की नौकरी किया करते थे। 5 जून 2020 को ये दोनों पति पत्नी और नाती सुनील कुमार दिल्ली से आए थे और दूसरे दिन गांव द्वारा सूचना देने पर 8 जून 2020 को जांच के बाद आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। 11 जून 2020 स्विफ्टर और उनकी पत्नी की रिपोर्ट को पॉजिटिव आई और नाती सुनील कुमार की नेगेटिव आई थी। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 14 व्यक्तियों को और आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक महिला और उसकी बेटी के हाथों से बदमाशों ने पैसों का बैग छीन लिया। महिला और बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। बदमाश महिला से अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बाइक वहीं छूट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस बाइक थाने ले आई है। थाना कोतवाली क्षेत्र की चौकी बेरी के मंडी मोड़ पर बदमाशों ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब मोहल्ला बाबूजई की रहने वाली अर्शी और उसकी मां मंडी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से पैसे निकालकर अपने घर की ओर जा रही थी। क्या नाम है? अर्शी जी, बताइए जो ये घटना हुई है आपके साथ, ये किस टाइम हुई और किस तरीके से? हम टाइम से आ रहे थे, 12 बजे था, तो टाइम से आ रहे थे, तो अम्मी ने बोला केले ले ले, तो उधर से हम लोग केले लेने चले, कोई खड़ी हो गई अम्मी, तो पता नहीं इधर से कोई चला, पता नहीं इधर साइड से आ रहा था कोई या उधर से आ रहा था, पता ही नहीं चला, तो उसने मेरे ऊपर छपक्का मारा बैग पर, लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हमने उसका गिरवान पकड़े रहा पीछे से, पीछे से उसका पकड़े रहे, लेकिन वो हमें खींचते खींचते वो इधर एक नारकटिंग की दुकान है वहाँ तक उसने लिया, बाकी लोग सब पीछे भागे, तो वो घबरा के उन्हें छोड़ा, तो अम्मी ने मेरी चाबी मोटरसाइकिल की निकाली, पीछे पीछे भागी, भतीजी भी साथ में थी। कितना पैसा था उसमें बैग में? उसमें 1 लाख। आज आपके साथ जो घटना हुई है लूट की, वो किस तरीके से हुई है? वो इस तरीके से हुई है, हम बड़ौदा बैंक से पैसा निकाल के लेके आ रहे थे, जहाँ पे फल वाले खड़े होते हैं वहाँ पर एक आदमी ने मतलब झपट्टा मारा, मुझे पुलिया पे झपट्टा मारा, तो वो पर्स छीनना चाह रहा था, लेकिन वही लड़की ने कूद के उसके गिरवान पकड़ लिया, पर्स छोड़ दिया, उस पर्स में से उन लोगों ने पैसे निकाल लिए और लेके भागे, लड़की ने गिरवान छोड़ा, वो लगती चली गई मस्जिद तक, वो पर्स छोड़ के भागे और बाल तक छोड़ गई, बाल उनकी खुल रह गई, चाबी हमने निकाल ली। किस कलर कपड़े पहन रखे थे उन लोगों ने? एक ने ब्लैक थी, पीछे वाला ब्लैक था पहना और वाइट था, वो आगे था। आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? हाँ सर, हो गई। खबर सहरसा से है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के अवसर पर राजद नेता सह डीएसएस जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार उर्फ मनोज यादव अपने आवास पर अनोखे अंदाज में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने आवास पर हवन यज्ञ का आयोजन कर उनके शीघ्र जेल से रिहाई और दीर्घायु जीवन की कामना की। क्या उद्देश्य? आज माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 73वां जन्मदिन है और आज हम लोग राजद कार्यकर्ता सर डीएसएस कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर दीर्घायु जीवन हो और साथ में जो है जेल से रिहाई हो, उसके लिए हमन कार्यक्रम करने का हम लोग ने कार्यक्रम किए हैं। यही चाहते हैं ईश्वर से, महादेव माँ पार्वती वासुदेवा कृष्ण से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के अवसर पर राजद नेता जिला महासचिव रमेश सिंह और प्रखंड अध्यक्ष भीका पासवान ने राजद कार्यालय पथरघट में अनोखे अंदाज में सुप्रीमो लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया। उपस्थित राजद कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद लालू यादव की दीर्घायु और सुखी जीवन बिताने के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजय होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है कि गरीबों, प्रवासी मजदूरों, दलितों के लिए भोजन का शिविर लगाया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है और पार्टी के दिशा निर्देश के आलोक में
जेल की बात ये कानूनी बात है, जेल को किसी को भी जाना पड़ता है, एक लालू जी को कौन कहता है। जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा तो लालू जी को क्या कहना है। जेल जाने के लिए कोई भी आदमी तैयार रहे, कानून में सब को जाना पड़ता है। एक नहीं, लालू जी को साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए वो जेल में बंद है। यूपी के श्रावस्ती से बड़ी खबर। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना आदेश के सरकारी स्कूलों को खोलकर जमा किए गए बच्चे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे। स्कूली बच्चे दर्जनों की संख्या में जमा हुए। स्कूली बच्चे सभी बच्चे यूनिफॉर्म में दिखे। मीडिया का कैमरा देख अध्यापिका भड़की और मामला जनपद के नासरगंज इमलिया प्राथमिक विद्यालय का है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई ली जाएगी। और जहां तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है, और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूंगा। अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है बच्चों। जालौन के भाजपा जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह सेंगर बनाजी के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन सम्पन्न हुआ। वर्चुअल रैली को सिकंदराबाद की यशस्वी विधायिका श्रीमती विमला सोलंकी जी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कोविड 19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमुख शस्त्र माना है। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट काल में जनपद सहित नगर के कई क्षेत्रों में जाकर देश के प्रधानमंत्री से सेवाभाव की प्रेरणा लेकर अपनी पूरी टीम के साथ जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। साथ ही प्रयत्नशील रहे कि कोई भी प्रवासी गरीब और बेसहारा बिना भोजन ना रहे। इसके लिए रात दिन अपनी परवाह किए बिना ही लगातार 20 दिनों तक हाईवे सहित शहर के अन्य स्थानों पर अन्य प्रदेशों से घर वापस लौटे प्रवासियों को लंच पैकेट, पानी आदि जरूरत का सामान बांटकर बहुत ही कम समय में भाजपा पार्टी में एक अलग ही स्थान प्राप्त किया है।